आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन से अनाजों का कुल 3.61 करोड़ टन निर्यात हुआ है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी देते हुए आगे बताया गया है कि एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि की तुलना में अनाजों का नवीनतम निर्यात 27.70% ऊंचा है। एक महीना पूर्व की तुलना में बीते महीने यानी दिसंबर 2021 में यूरोप से बाहर के देशों को फ्रेंच सॉफ्ट गेहूं का निर्यात तुलनात्मक रूप से नीचे रहा है। रेफिनेटिव द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी देते हुए आगे बताया गया है कि अल्जीरिया की आयात में फेल रहने की वजह से फ्रेंच सॉफ्ट गेहूं के निर्यात में नवीनतम कमी आई है। चालू सप्ताह के आरंभिक कारोबारी दिन शिकागो के गेहूं वायदा में करीब 2% की तेजी दर्ज की गई। कारोबारी और विश्लेषकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच गेहूं की कीमतों को समर्थन मिला है। सोयाबीन और मक्की वायदा में भी तेजी आई है। महाराष्ट्र कर्नाटक में तुअर की आपूर्ति घटने एवं पड़ते से ऊंचे भाव हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी ज्यादा माल नहीं है। दूसरी ओर दाल मिलों ने स्टॉक बहुत कम है, जिससे इसी लाइन पर 300 की और तेजी लग रही है। इस बार मौसम प्रतिकूल होने से महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दोनों ही राज्यों में तुअर की फसल पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 32-33% औसतन कम आई है। विदेशी बाजार में तेजी के रुख के बीच जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलन बाजार में लगभग सभी तेल तिलनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए। सोयाबीन के दाम $70 बढ़े हैं तथा सीपीओ के दाम में 30 से $40 प्रति टन की वृद्धि हुई है, जिससे इनके रिफाइंड तेलों के भाव में सुधार आया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत खाद्यान्न के भंडारण, संचालन और वितरण में दक्षता लाने के लिए सरकार जल्द ही एक डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले कदम से FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं के स्टॉक की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता की जानकारी वास्तविक समय में मिलेगी। कॉटन के दाम में भारी तेजी से आने वाले महीनों में कपड़ा खरीदना महंगा हो सकता है। इस वजह से गारमेंट का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। गारमेंट निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग करी है। गारमेंट उद्योग के मुताबिक पिछले एक साल से भी कम समय में कॉटन के दाम में भारी इजाफा हुआ है। 335 किलोग्राम वाले एक कॉटन कैंडी की कीमत 37,000 रुपये से बढ़कर 74,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सीजन में चीनी क्षेत्र से एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मिले जनवरी से हर महीने लगभग 4 से 5 नई डिस्टिलरी या विस्तारित इकाइयों को चालू करने की संभावना है। बिहार के सीवान जिले में पड़ रही ठंड और कुछ दिन पहले ही बारिश से गेहूं की फसल खूब लहला रही है, लेकिन इन लहलाती गेहूं की फसल पर यूरिया की किल्लत भारी पड़ रही है। जिले के अधिकतर हाट बाजारों में यूरिया की किल्लत पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इसे लेकर किसान काफी परेशान है। किसान गेहूं के खेत में नमी रहते यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में चीनी मिलों में गन्ना पेराई जोरों शोरों से जारी है। सीजन 2021-22 में राज्य में चीनी रिकवरी भी अच्छी है। चीनी आयुक्तालय के आंकड़ों के मुताबिक सीजन 2021-22 में 23 फरवरी 2022 तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 194 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। दिल्ली NCR में बारिश के थमते ही एक बार फिर से सर्दी का कहर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कोल्ड डे रहने का अनुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई गई है। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।